हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के दो बड़े बड़े टीमों के कप्तान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के दो बड़े बड़े बैट्समैन स्टीवन स्मिथ और डेविड वॉर्नर अभी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बॉल टेम्परिंग जैसे गलत कामों में उनका नाम सबके सामने आ चुका है। इसके चलते स्टीवन स्मिथ के आईपीएल के टीम राजस्थान रॉयल्स ने उनको कप्तानी से हटा दिया है और उनके जगह अजिंक्य रहाणे को इस साल के लिए कप्तान घोषित कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ डिसीजन सनराइजर्स हैदराबाद ने भी ले लिया है तो फिर इस साल के लिए उनके लिए कप्तानी कौन करेंगे? तो दोस्तों, अभी तक जो अपडेट्स हमारे पास आ रहा है, तीन नाम है जो अभी सबके सामने उभर के आ रहा है। तो हमारा लिस्ट में पहला जो नाम है वो है शाकिबुल हसन। जी हाँ दोस्तों, शाकिबुल हसन, इनका इंटरनेशनल लेवल में कप्तानी करने का बहुत ज्यादा अनुभव है। लास्ट निधास ट्रॉफी में भी इन्होंने बांग्लादेश के लिए कप्तानी की है और ये T20 फॉर्मेट के एक अच्छे ऑलराउंडर भी माना जाता है और ये ICC रैंकिंग में भी T20 में नंबर 1 के पोजीशन पर है। तो दोस्तों, ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है डेविड वॉर्नर के लिए। और हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे आता है वो आ रहा है शिखर धवन। शिखर धवन को तो वैसे इंटरनेशनल में ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले भी SRH के लिए कप्तानी कर चुका है, तो वो भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है। हमारे लिस्ट में जो अगला नाम आ रहा है वो आ रहा है केन विलियमसन का। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के प्रेजेंट कप्तान है और ये एक अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ एक अच्छा कप्तान भी है, तो ये भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकता है कप्तानी में डेविड वॉर्नर के लिए। तो ये तो गए तीन नाम जो डेविड वॉर्नर को रिप्लेस कर सकता है कप्तानी में। लेकिन अगर डेविड वॉर्नर इस साल आईपीएल नहीं खेल पाए, मतलब इस साल अगर डेविड वॉर्नर को आईपीएल से बैन कर दिया जाए, तो कौन है वो प्लेयर जो डेविड वॉर्नर की जगह ले सकता है और एक अच्छा कप्तान के साथ साथ अच्छा बल्लेबाजी भी कर सकता है? तो दोस्तों, इस समय जो नाम हमारे सामने सबसे ऊपर आ रहा है वो आ रहा है जो रूट का। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के इस साल के ऑक्शन में जो रूट अनसोल्ड रहे हैं, तो ये एक उनके लिए बड़ा मौका हो सकता है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद ऐसा कुछ डिसीजन ले कि इस साल डेविड वॉर्नर आईपीएल नहीं खेलेंगे, तो जो रूट उनके लिए एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकता है। जो रूट सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज ही नहीं, अच्छे कप्तान भी है और बहुत टाइम से वो इंग्लैंड के लिए कप्तानी भी कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे चार नाम। आप लोग बताएं आप लोगों का क्या राय है इनके बारे में, कमेंट करके बताइए आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए क्रिकेट से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता हूँ। और अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।